गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने डील किया था छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स ऑन अ सब्जेक्टिव वे, जो हमारे लिए जून के आखिरी हफ्ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। आज हम देखते हैं कि उन पर हम अपने MCQs या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से उन्हें डील किया जाएगा। सबसे पहला है, वेयर वॉज द छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल जूनियर हॉकी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज, या फिर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। आप सभी से अनुरोध है, हमारे कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे या फिर अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, ताकि आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकें, है ना, सेल्फ असेसमेंट आप लोग कर सकें। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी प्रतिस्पर्धा कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी खैरागढ़ चुईखदान गंडई, ऑप्शन सी कबीरधाम या फिर ऑप्शन डी बीजापुर। राजनांदगांव, खैरागढ़ चुईखदान गंडई, कबीरधाम या फिर बीजापुर। तो यहां से आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव। तो यहां से आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव। राजनांदगांव में ही हाल ही में क्या कराया गया था, जूनियर हॉकी स्टेट लेवल चैंपियनशिप कराई गई थी, जिसमें मेल जो वर्ग है या फिर पुरुष वर्ग, उसमें रायपुर ने क्या किया है, ये खिताब जीता है। और जो फीमेल वर्ग है, महिला वर्ग, उसमें बिलासपुर ने क्या किया है, ये खिताब जीता है। और दोनों ही मेल और फीमेल कैटेगरी में राजनांदगांव दूसरे स्थान पर आकर के रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट क्लेंच गोल्ड मेडल एट रिसेंटली हेल्ड स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप इन मेल कैटेगरी। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के किस जिले ने स्वर्ण पदक जीता है। तो राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या फिर कोरबा की हॉकी टीम। राजनांदगांव हॉकी टीम, रायपुर हॉकी टीम, बिलासपुर हॉकी टीम या फिर कोरबा हॉकी टीम। तो यहां से आप लोगों के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर की हॉकी टीम ने पुरुष वर्ग में क्या कर लिया है, ये चैंपियनशिप जीत ली है। ऑप्शन नंबर सी, विच डिस्ट्रिक्ट क्लेंच गोल्ड मेडल एट रिसेंटली हेल्ड स्टेट लेवल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप इन फीमेल कैटेगरी, मतलब महिला वर्ग में उसी प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम कौन सी है, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या फिर कोरबा। हम देख चुके हैं इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। बिलासपुर ने क्या किया है, महिला वर्ग का जो चैंपियनशिप रहा है, स्टेट लेवल का जूनियर चैंपियनशिप, उसे जीत लिया है। तो ये हो जाएगा कौन आपका, बिलासपुर की हॉकी टीम। रायपुर ने पुरुष में और महिलाओं में क्या, बिलासपुर ने, है ना। अगला देखते हैं, वेयर विल बी द सेकेंड एडिशन ऑफ वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज। पश्चिम क्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी मिर्जापुर या फिर डी राजनांदगांव। ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी मिर्जापुर या फिर डी राजनांदगांव, कहां पर किया जाएगा ये आयोजित। कटक, भुवनेश्वर, मिर्जापुर, राजनांदगांव। तो जो द्वितीय पश्चिम क्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप होगा, उसे आपके राजनांदगांव में क्या किया जाएगा, आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिलासपुर इन इंडिया इन स्मार्ट सिटीज रैंकिंग इन द कैटेगरी ऑफ टीम वर्क एंड डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, यानी कि टीम वर्क और विभागीय समन्वय, टीम वर्क और विभागीय समन्वय, यानी कि टीम वर्क एंड डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की श्रेणी में स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में बिलासपुर को भारत में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहां पर टीम वर्क और विभागीय समन्वय में बिलासपुर को पूरे देश में प्रथम स्थान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, डेटा प्रौद्योगिकी और कमांड एवं नियंत्रण केंद्र प्रबंधन श्रेणी में स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में भारत में बिलासपुर का क्या रैंक रहा है,
मतलब व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिलासपुर इन इंडिया इन स्मार्ट सिटीज रैंकिंग इन कैटेगरी ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मैनेजमेंट। ये आपका कैटेगरी है डेटा टेक्नोलॉजी एंड कमांड कंट्रोल सेंटर मैनेजमेंट। इसमें इस कैटेगरी में बिलासपुर का क्या स्थान रहा है, पहला तीसरा पांचवा या सातवा? पहला तीसरा पांचवा या सातवा? यहां से आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाब, पांचवा। बिलासपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में। और पहले नंबर पर कौन है? बेलगांव कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ रायपुर इन इंडिया इन स्मार्ट सिटीज रैंकिंग इन कैटेगरी ऑफ टीम वर्क एंड डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। वही जो पिछला कैटेगरी था आपका टीम वर्क और अंतर विभागीय समन्वय की श्रेणी में स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रायपुर का भारत में कौन सा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा? तो अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पहला स्थान किसका है, बिलासपुर का, तो पहला तो नहीं हो सकता। अब दूसरा तीसरा या चौथा कौन सा स्थान है रायपुर का पूरे देश में? तो पूरे देश में टीम वर्क और विभागीय समन्वय की श्रेणी में रायपुर का स्थान है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द क्वालिटी सर्टिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? पहला है जिला अस्पताल कोंडागांव, दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा बलौदा बाजार, तीसरा है जिला अस्पताल कांकेर, चौथा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र अबूझमाड़ नारायणपुर। और विकल्प हमारे पास में हो जाएंगे केवल एक और चार, यानी कि जिला अस्पताल कोंडागांव और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र अबूझमाड़ नारायणपुर, या केवल दो और तीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा बलौदा बाजार या फिर जिला अस्पताल कांकेर। केवल एक और दो, यानी कि जिला अस्पताल कोंडागांव और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहता बलौदा बाजार, या फिर दो और चार, यानी कि बलौदा बाजार और नारायणपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया है किन दो संस्थानों ने? तो ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां पर हो जाएगा आंसर सी, एक और दो, यानी कि जो आपका जिला अस्पताल कोंडागांव है और साथ में आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा बलौदा बाजार है, इन दोनों को क्या मिला है? गुणवत्ता प्रमाणन दिया गया है। अगला है, तेल का तोड़ बड़ी बुआ जी और कोमल गांधार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के कुछ प्रसिद्ध थिएटर नाटक हैं? तेल का तोड़ बड़ी बुआ जी एंड कोमल गांधार आर सम फेमस थिएटर प्लेज ऑफ विच अमंग्स द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। ऑप्शन ए हबीब तरवन तनवीर, ऑप्शन बी तीजन भाई, ऑप्शन सी जलील रिजवी, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद खान तारान। हबीब तनवीर, तीजन भाई, जलील रिजवी या फिर मोहम्मद खान तारान। तेल का तोड़ बड़ी बुआ जी, कोमल गांधार। तो यहां पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आपके जलील रिजवी, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों में से कौन सा मध्य भारत का पहला क्लिनिकल परीक्षण केंद्र बन गया है? विच अमंग्स द फॉलोइंग मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल सेंटर ऑफ सेंट्रल इंडिया? मार्क मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर, न्यू कोरबा हॉस्पिटल, ऑब्वियसली कोरबा, और
ऑप्शन सी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, ऑप्शन डी स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई। इनमें से कौन सा वो आपका है मेडिकल संस्थान या फिर चिकित्सा संस्थान जिसे हाल ही में मध्य भारत का पहला क्लिनिकल ट्रायल या फिर क्लिनिकल परीक्षण केंद्र बनाया गया है? मार्क मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर, न्यू कोरबा हॉस्पिटल कोरबा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर या फिर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई। तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कहां पर है भिलाई में स्थित है, और ये फिलहाल यहां पर जो प्राथमिक चरण होगा वहां पर गंजेपन संबंधित इलाज को क्या किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल इसमें किया जाएगा। आगे चलते हैं अगला। बर्रा कोल ब्लॉक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बर्रा ब्लॉक स्थापित है, बर्रा ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर। कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर। इस हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स कम रहे हैं इस हफ्ते लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। क्या ये जो क्वेश्चंस भी आज हम डील कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी वन डे एग्जाम्स के लिए। कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ या फिर जशपुर। तो जो बर्रा ब्लॉक है ये आप लोगों का रायगढ़ जिले के खरसिया में है, ठीक है? तो यहां से आप लोगों के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, फेमस बर्रा मिनरल ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़ इज डेडिकेटेड टू विच मिनरल, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बर्रा खनिज ब्लॉक किस खनिज से संबंधित है? हाल ही में इसे बालकों को क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है उत्खनन करने के लिए। कोयला, लिथियम, एल्यूमिनियम या फिर बॉक्साइट। कोल, लिथियम, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। बर्रा खनिज ब्लॉक जो कि खरसिया रायगढ़ में स्थित है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक कोयले को क्या है समर्पित है या फिर कोल ब्लॉक है। ये 900 मिलियन टन का रिजर्व है यहां पर, 900 मिलियन टन का रिजर्व भंडारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी हैज बीन अलॉटेड द बर्रा मिनरल ब्लॉक फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन, किस कंपनी को अन्वेषण और दोहन के लिए बर्रा खनिज ब्लॉक आवंटित किया गया है? बातों बातों में ही हमने इसका जवाब दे दिया है, फिर भी ऑप्शंस देखिए। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL, ऑप्शन नंबर बी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बालको, तो SECL या फिर बालको या फिर आपका CSPGCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को क्या किया गया है इस बर्रा कोल ब्लॉक से कोल क्ले एक्सप्लोइटेशन के लिए एलोकेशन दे दी गई है। घूंचापुर, महेशपुर आर वेल नोन फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, घूंचापुर और महेशपुर किसके लिए सुप्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के नवीनतम पर्यटन स्थल हैं ये, या ये मध्यकालीन छत्तीसगढ़ की राजधानी शहरें हैं, या फिर ये खनिज ब्लॉक हैं, या फिर ये डी आपका खेल प्रशिक्षण केंद्र है। दे आर द न्यूएस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़, दे आर कैपिटल सिटीज ऑफ मेडिवल छत्तीसगढ़, दे आर मिनरल ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़, या फिर दे आर स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, ए बी सी डी। छत्तीसगढ़ के नवीनतम पर्यटन स्थल हैं क्या, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ की राजधानी शहरें हैं, खनिज ब्लॉक हैं, खेल प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो जो घूचापुर और महेशपुर है ये आपका छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छुरी कटघोरा में स्थित है, और ये क्या है खनिज ब्लॉक है, और किस खनिज से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बिकेम द फर्स्ट लिथियम ब्लॉक टू बी एलोकेटेड इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में आवंटित होने वाला पहला लिथियम ब्लॉक बन गया है? महेशपुर, घुचापुर, सिलतरा उल्ला, गीदम दंतेवाड़ा या फिर दरबा जीरम।
महेशपुर, गुचापुर, सिलतरा उरला, गीदम, दंतेवाड़ा, दरभा, जीरम। तो पूरे भारत का पहला ऐसा लिथियम ब्लॉक जिसे एलोकेट कर दिया गया है, यानी कि आगामी 3-4 वर्षों के अंदर में यहां से क्या होने लगेगा, खनिज का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और ये है आपका क्या, महेशपुर घुचापुर, जो कहां पर है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, यहां पर हमारा खत्म होता है। छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने जो समसामयिकी देखी थी कल, यानी कि जून महीने के आखिरी हफ्ते में, उन पर बेस क्या एमसीक्यूज कल हम आप सभी के सामने लेकर के आएंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, और परसों उस पर हम डील करेंगे क्या उनके एमसीक्यूज। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।